जूते से मार खाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जूता फेंकने वाला शख्स भाजपा कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जूता फेंकने की घटना सामने आई, जिससे प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया। इस घटनाक्रम के बाद बुरी तरह बौखलाए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जूता फेंकने वाला शख्स एक भाजपा कार्यकर्ता है। वह यादव समुदाय से है, लेकिन एक भाजपा कार्यकर्ता है। ऐसे लोग कानून और शासन के लिए कलंक हैं। यही कारण है कि राज्य की कानून व्यवस्था जर्जर है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज सरकार पिछड़ों के वोट चाहती है, लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए वे जाति जनगणना की सुविधा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयानों का स्वागत करते हैं। वहीं इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी जाति जनगणना की सुविधा नहीं देती है तो सपा जब भी सत्ता में आएगी ऐसा करेगी। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी महासम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन पर एक शख्स ने जूता फेंक कर मार दिया। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। वहां मौजूद पुलिस ने आकर बीच बचाव किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी सभा स्थल पर वकील के रूप में आया था। यह कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा था। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे, वैसे ही आरोपी ने जूता फेंक कर मारा। इसके बाद उनके समर्थकों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। बता दें कि इससे पहले मऊ में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया था। और ये भी बात सामने आई है कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था और अखिलेश यादव ने उसे बीजेपी का कार्यकर्ता बताया। सोचिए ये कितना बड़ा झूठ फैला रहे हैं अखिलेश यादव।